देश में कोरोना महामारी का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चपेट में आने से कई लोगों को और कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं कोरोना की चपेट में आने से इंदौर के टीआई देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी जूनी का पिछले साल निधन हो गया था। आपको बता दें कि वो लगातार पिछली बार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सड़कों पर थे और लगातार लोगों की मदद करते हुए कोरोना से ग्रसित थे। आपको बता दें कि यहां उपचार के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते सोमवार को इंदौर के डीआईजी ऑफिस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ में इस दौरान उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की। देखिए, ये लॉकडाउन को जो हमारा कोरोना कर्फ्यू है इसको सस्टेनेबल बनाना है। हम सबका सहजता से सबसे अनुरोध करते हैं कि इसमें हमें सहयोग चाहिए, सख्ती की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े, ये हमारा प्रयास रहता है। इसीलिए हम पहला प्रयास हमारा यही है कि हम समझाइश देके और सबको सहयोग लेकर के ही हम इस चेन को तोड़ें। और मैं पुनः यही अपील करूंगा कि इसमें सहयोग अपेक्षित है। आज एक वर्ष हो गया है जब हमने अपने एक कर्मठ साथी को खोया था और कोविड के कारण लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे। इसके बाद अन्य भी हमारे साथी हमने खोए हैं। यह एक हमारे सामूहिक पुलिस की श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं और ये एक प्रेरणा बनी है हमारे सारे स्टाफ के लिए, सारे पुलिस बल के लिए, कि वे अभी भी चाहे कैसी भी चुनौती आए, महामारी है भी, लेकिन अपनी ड्यूटी में कहीं से पीछे नहीं है और पूरी समाज की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यही इंदौर पुलिस का प्रण है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।